स्पेशल केसेस लास्ट क्लासेस में हमने कहा था स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस का मतलब होता है कि आपकी क्लोजिंग एंट्रीज होगी, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग एंट्री होगी, एडजस्टमेंट एंट्री होती है आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी कुछ एडजस्टमेंट एंट्री होती है कुछ अलग होती है उसका भी हम डिस्कस करेंगे, और ओपनिंग एंट्रीज होती हैं आपकी, ठीक है। इनके अलावा जो कुछ एडजस्टमेंट एंट्रियाँ बोल दो या आप अदर एंट्रीज बोल दो, जो भी आपके बार बार आपके अकाउंट्स में आएंगी, जो हम बिजनेस करते हैं तो बार बार हमें देखनी पड़ती है। नाउ देयर आर गुड्स, हम गुड्स बेचते हैं, गुड्स खरीदते हैं। अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको हम परचेज अकाउंट के बेसिस पे उसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने गुड्स खरीदा, सपोज परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर हमने गुड्स परचेज किया है, सिंपली ट्रांजेक्शन लिखा हो गुड्स परचेज तो कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर हमने, ये आपका कैश का ट्रांजेक्शन हो गया, और अगर हमने किसी से क्रेडिट पे खरीदा है, वी हैव डिस्कस कि भाई प्रीवियस क्लासेस में कि हम कैसे पहचानते हैं वो क्रेडिट का है कैश का है, कि अगर वो लिखा हो परचेज गुड्स फ्रॉम राम दैट इज़ ऑन क्रेडिट, अगर लिखा हो परचेज गुड्स वो कैश पे, अगर लिखा हो परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश वो भी कैश पे होता है। तो सिंपली ये है कि नेम आ जाए और कैश के बारे में कोई भी उसमें इंफॉर्मेशन नहीं, तो दैट इज ऑन क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, अगर नाम लिखा है तो टू राम टू श्याम, जो भी नाम लिखा हुआ है क्रेडिटर का जिससे हमने उधार लिया है वो चीज आ जाएगी। फ्री सैंपल, अब जो भी हम, मैं बात कर रहा हूँ कि गुड्स जो है हमारा परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद हम क्या करते हैं सेल भी करते हैं। जब सेल करेंगे गुड्स तो यहाँ तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा जब हमारा कैश का ट्रांजेक्शन है, और टू सेल्स कर देंगे। लेकिन अगर क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है तो जो हमसे उधार माल खरीदता है उसको हम डेटर बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। कस्टमर नॉर्मली हम बोलते हैं कि कस्टमर क्या हो गया, नॉर्मली दो कैटेगरीज में बांटा गया, क्रेडिट वाला कस्टमर और कैश वाला कस्टमर। जब हम कस्टमर को कैश भेजते हैं तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन जब हम कस्टमर को क्रेडिट पे माल भेजते हैं, यानी दो महीने के लिए, एक महीने के लिए, जितने महीने के टाइम के लिए उधार भेजते हैं, ज्यादा विद इन थ्री मंथ जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से, तो उसको हम डेटर कहते हैं, और हम लिख देंगे डेटर्स टू सेल, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जो भी गुड्स हमने परचेज किया, नॉर्मली हम यूज करेंगे गुड्स अलग अलग जगह पे, स्पेशल केसेस वाली बात की बात कर रहे हैं। मान लो फ्री सैंपल में रेडियो एडवर्टाइजमेंट हो गया आपका, हमारा लॉस बाय थेफ्ट चोरी हो गया माल, हमारा लॉस बाय फायर यानी आग से जल गया माल, और हमारा डोनेशन में हमने दे दिया, और भी होते हैं, लेकिन मोटे मोटे यही आपके स्पेशल ट्रांजेक्शन आता है। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर गुड्स डिक्रीज होता है तो हम गुड्स अकाउंट को नहीं परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गुड्स एक तरह से ऐसे तो परचेज अकाउंट को। ये माना जाता है कि जो भी गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्री सैंपल, या जो हमारा नुकसान हुआ लॉस बचता है क्या लॉस में फायर, या फिर डोनेशन में हमने दे दिया, ये माना जाता है हमने परचेज में से उठा के दे दिया गुड्स। तो नॉर्मली जो भी इन स्पेशल ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी वो हम आगे देखते हैं, देख लिया वो एंट्री होगी आपकी। अगर हमने गुड्स फ्री सैंपल में दिया है तो दैट मीन्स एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि एडवर्टीजमेंट क्या हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो इसको हम क्या करते हैं डेबिट कर देते हैं। और मैंने क्या कहा था, गुड्स है, गुड्स अगर हम किसी भी पर्पज से यूज करते हैं नॉर्मली तो परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि गुड्स डिक्रीज हो रहा है, गुड्स एक एसेट है, तो ये माना जाता है कि गुड्स हमने परचेज में से उठाया और परचेज हमारी डिक्रीज हो गई, तो टू परचेज हो जाएगा। ऐसे ही लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट लॉस है, लॉस अगर इंक्रीज होता है तो हमारे लिए क्या होता है वो डेबिट होता है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ये आपकी स्पेशल एंट्रीज होंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर एंट्रीज की बात करें तो भाई आज सबसे बड़ा मुद्दा है जीएसटी। जीएसटी दैट मीन्स आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हो, अभी तो आप स्टडी कर रहे हो, बट इफ यू आर गोइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी पोस्ट पे हो, अगर अकाउंटेंट की पोस्ट पे हो या सीए वगैरह कर रहे हो, तो भी आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी का तो यूज हो गया होगा। जीएसटी क्या है? एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि इसमें डेस्टिनेशन के हिसाब से टैक्स लगता है। डेस्टिनेशन का मतलब है कि ये देखा जाएगा कि ट्रांजेक्शन हमारा विद इन स्टेट हुआ है या आउटसाइड स्टेट हुआ है, ये देखा जाता है। तो इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। अगर विद इन स्टेट हुआ है तो दो तरह के टैक्स में डिवाइड कर देते हैं हम, सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड कर देते हैं, तो दो तरह के टैक्स में डिवाइड करते हैं। और अगर आउटसाइड स्टेट हुआ है तो उसको हम आईजीएसटी सिंपल सिंगल टैक्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। अब हम आगे इसका डिस्कस करेंगे, जो भी जीएसटी से रिलेटेड पार्ट है हम आगे डिस्कस करते हैं। जीएसटी मैंने आपको बताया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। पहले क्या होता था, अलग अलग टैक्स लगते थे। अगर हमने गुड्स सेल किया, परचेज किया, तो वैट लगता था। और दूसरा सर्विस होती है, सर्विसेज कैसे हो गई आपकी, जैसे मैं एजुकेशन लाइन में हूँ, वो सर्विस देना था उस पर टैक्स।
कोचिंग वगैरह चला रहा हूँ तो वो चीज़ है, या ब्यूटी पार्लर है वो सर्विस आप दे रहे हो तो एक कैटेगरी के बाद उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता था, सर्विस टैक्स कहलाता है। तो अलग अलग तरह के टैक्स, कस्टम हो गया, एक्साइज हो गया, ये सारे टैक्स होते थे। तो नॉर्मली कुछ एक टैक्सेस को छोड़ के सारे टैक्सेस को एक ही पार्ट में सब्ज्यूम कर दिया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसलिए हम बोलते हैं कि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। नॉर्मली ये कहा जाता है वन नेशन वन टैक्स, बट ये अभी तक के प्रूव नहीं हो पाया कि वन नेशन वन टैक्स, क्योंकि अब अलग अलग जगह पे अलग अलग अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, और कभी तो कस्टम पूरा अलग नहीं हुआ है, कुछ और टैक्सेस हैं जो अलग नहीं हुए, पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया या आपके आपके जो भी उसमें आपके हैं जहाज़ों में जो भी हेलीकॉप्टर्स हैं या जो भी आपके हवाई जहाज हैं, एरोप्लेन्स हैं, उनमें जो भी आपके फ्यूल्स लगते हैं, उनमें अभी जीएसटी अप्लाई नहीं है। उनमें क्या है, अभी तक वैट अप्लाई होता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो उन कुछ चीज़ों को छोड़ के, और जो लिकर है, लिकर यानी जो शराब बोलते हो, उस पर भी आपका क्या है टैक्स, आपका जीएसटी नहीं लगाया गया। बाकी सब नॉर्मली चीज़ों पे टैक्स लगाया गया है, आपका स्प्रिट वगैरह ये है इन पे नहीं लगाया गया। तो पेट्रोल वगैरह क्यों महंगे, क्योंकि अगर वो जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे तो थोड़ा सस्ते हो जाएंगे, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि भैया हमारा तो इनकम ही उससे होता है, इसलिए वो जीएसटी के दायरे में लाना नहीं चाहती। तो वो चीज़ हुई। तो अब जीएसटी मैंने आपको बताया विद इन स्टेट होगा या आउटसाइड स्टेट होगा। तो हम अगर कोई भी एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन को पहचानना होगा कि वो विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है। अगर वो विद इन स्टेट होता है तो इंट्रा स्टेट कहलाएगा ट्रांजेक्शन, और आउटसाइड स्टेट होता है तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। मोटा मोटा यही होता है। यानी अगर हमने जयपुर से अजमेर यानी राजस्थान के ही सिटी में, राजस्थान की ही सिटीज में ट्रांजेक्शन किया, सेल परचेज किया, तो हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। और अगर हमने दिल्ली से अदर स्टेट, मान लो अदर स्टेट की सिटी यानी जयपुर से हमने परचेज किया या फिर सेल किया, वो हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाता है। ये आपका हो गया कि हाँ भाई, हमें पहले पहचानना होगा एंट्री करने से पहले कि इज इट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। अगर ये चीज पहचान गए तो सबसे ईजी हो जाता है। देन उसके बाद दूसरी चीज आती है, हाँ भाई इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो टैक्स किस स्टेट में, हमने डिस्कस किया था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है तो वो आईजीएसटी के रूप में होगा, इंटर स्टेट होगा तो, और इंट्रा स्टेट होगा तो हमारा दो पार्ट में बढ़ जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सपोज मान लो 18% की टैक्स रेट है, अगर वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन तो 18% ही लग जाएगा, और अगर वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो 18 का हाफ आता है, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट, एसजीएसटी यानी आपके स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट, यानी ये वाला हिस्सा सीजीएसटी के खाते में जाएगा, ये वाला हिस्सा आपके स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम परचेज करते हैं, जब हम परचेज करते हैं तब उस टैक्स को क्या कहेंगे, और जब हम सेल करते हैं उस टैक्स को क्या कहेंगे। इंटरस्टेट इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन अपनी जगह है, पर जब हम परचेज करते हैं तब एंट्री कैसे करेंगे, सेल करते हैं तब एंट्री हम कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। जीएसटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूज आता है, हालांकि जनरल एंट्रीज तो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज आती ही आती है इफ यू आर यूजिंग दिस, क्योंकि नॉर्मली कोई भी बिजनेस वाला पर्सन है वो एंट्रीज तो करेगा, क्योंकि उसको जानना है कि हाउ मच वी आर अर्निंग। अब हाउ मच अर्निंग है ठीक है, वो हमें जानना है। दूसरा, वेयर अर्निंग के बेस पे टैक्स लगता है, टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग। अब अर्निंग ही नहीं जाओ जानोगे तो कैसे पता चलेगा, कैसे टैक्स दोगे, लमसम अजम्पशन के बेस पे तो ज्यादा भी टैक्सेस में भी पॉसिबल आपको लॉस हो रहा हो और फिर भी आप टैक्स दे रहे हो अजम्पशन के बेसिस पे। सो वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे भैया प्रॉफिट जानने के लिए, भाई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, यानी कि हमारी जो भी एसेट्स है वो सॉल्वेंट है अपनी लाइब्रेरीज को पे आउट करने में, यानी ये चीज़ जानने के लिए हम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का डिस्कस करेंगे जीएसटी का पार्ट और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो बार बार आते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू।